वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं एक नया टॉपिक, डाइट इन डिजीज़ कंडीशन। तो दोस्तों, डाइट इन डिजीज़ कंडीशन यानी कि इसके भी जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी आते हैं, यानी कि कौन कौन से डिजीज़ के अंदर क्या क्या डाइट्स देते हैं। तो हमने पूरा कोशिश किया है कि सारी डिजीज़ को हमने एक जगह और सबकी डाइट को हमने एक जगह इंक्लूड करके और आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आप दोनों नाम से सर्च कर सकते हैं, हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज ऑब्लिक एंथक्लेक्स गुरु नाम से। तो दोनों से आप सर्च करने के बाद में आपको चैनल आ जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अक्यूट रिनल डिजीज। देखो दोस्तों, अक्यूट रिनल डिजीज में कौन सी डाइट देते हैं? तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड, हाई कैलोरी, फ्लूइड कंट्रोल एंड सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रोल्ड। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रोल्ड अक्यूट रिनल डिजीज। यानी कि अक्यूट रिनल डिजीज में क्या क्या देते हैं? प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड, हाई कैलोरी, फ्लूइड कंट्रोल्ड और सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रोल्ड। दोस्तों, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट इसलिए देते हैं क्योंकि प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। अमोनिया का लास्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया। ठीक है, यूरिया और क्रिएटिनिन। तो अक्यूट रिनल डिजीज में हम प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड देते हैं एंड सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रोल्ड, क्योंकि सोडियम पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रोल्ड डाइट देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन एडसेंस डिजीज। तो दोस्तों, इस डिजीज के अंदर इंक्रीज सोडियम एंड लो पोटेशियम डाइट। एडसेंस डिजीज क्या होती है? इसमें एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन आपने सुना हो, एल्डोस्टेरोन, उसका सेक्रेशन इसके अंदर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसका काम क्या है एल्डोस्टेरोन का? पोटेशियम को एक्सक्रिएट करना और सोडियम को एब्जॉर्प्शन कराना। तो अगर इसके अंदर, इस डिजीज़ के एडिसन डिजीज़ का मतलब है, इस डिजीज़ के अंदर एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, यानी कम होने से क्या होगा, ब्लड के अंदर पोटेशियम बढ़ने लगेगा और सोडियम की कमी होने लगेगी। तो ऐसे स्थिति में क्या देंगे अपन? लो सोडियम डाइट। एंड सोडियम की कमी होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए इनक्रीज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट डाइट की बात करें अपन, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर एंड बाइपोलर। तो इसके अंदर हाई कैलोरी डाइट देना है अपन को और फिंगर फूड। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आया है, कई बार एग्जाम के अंदर आया फिंगर फूड्स। अब फिंगर फूड्स क्या होते हैं? फिंगर फूड्स वही है जैसे कि एक फिंगर में लेके मान लो खीरा ककड़ी है, या फिंगर मतलब फिंगर से वो खाए, उसे कहते हैं फिंगर फूड्स। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है वो एग्जाम के अंदर, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर और बायपोलर डिसऑर्डर में कौन से अपन देते हैं? तो फिंगर फूड्स। बर्न पेशेंट की बात करें अपन, बर्न पेशेंट के अंदर कौन सी डाइट देते हैं? हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी एंड इंक्रीज विटामिन सी। दोस्तों, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट इसलिए देते हैं क्योंकि बर्न पेशेंट के अंदर सेल डैमेज हो जाती है, तो उनकी जो सेल वॉल को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर होता है प्रोटीन, और कैलोजन फाइबर सिंथेसिस होने करने के लिए होता है विटामिन सी, इसलिए अपन ये डाइट देते हैं। कैंसर के अंदर हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और सीलिएक डिजीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया कि सीलिएक डिजीज के अंदर कौन कौन सी डाइट देते हैं अपन। तो सीलिएक डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, गेहूँ से एलर्जी होती है। पेशेंट को गेहूँ खाना, गेहूँ या बरेली, राई, ओट्स, ठीक है, ये से इनसे क्या होती है, एलर्जी होती है इनको, उसको डाइजेशन नहीं होता। तो इसमें जो देते हैं वो डाइट देते हैं अपन ग्लूटेन फ्री डाइट। नेक्स्ट क्रॉनिक रिनल डिजीज। क्रॉनिक रिनल डिजीज में प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं अपन, लो सोडियम डाइट देते हैं, फ्लूड रेस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं इसके अंदर एंड पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, पोटेशियम को भी अपन क्या करते हैं इसके अंदर, रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, क्योंकि क्रोनल रिनल डिजीज के अंदर क्या होता है, हाइपर कैलेमिया। क्या हो जाता है? हाइपर
कैलेमिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो प्रोटीन के डिनेचुरेशन यानी प्रोटीन का अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होता है वो यूरिया और क्रिएटिनिन होता है, इसलिए इसके अंदर प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड और पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं। नेक्स्ट सिरोसिस, ठीक है, सिरोसिस लीवर सिरोसिस अगर स्टेबल है तो नॉर्मल प्रोटीन डाइट देते हैं। सिरोसिस विद हेपेटिक इनसफिशियंसी, तो इसके अंदर प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड और फ्लूड एंड सोडियम, ठीक है, उसको फ्लूड और सोडियम देंगे और प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड देंगे, ठीक है, क्योंकि अमोनिया का लेवल इंक्रीज होगा और इसकी वजह से सेरेब्रल एनसेफेलोपैथी हो सकती है, यानी हेपेटो एनसेफेलोपैथी होने की संभावना है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में हाई फाइबर डाइट देंगे, इंक्रीज द फ्लूड, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्या किसकी वजह से होता है, फाइबर की कमी की वजह से। नेक्स्ट सीओपीडी, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस पेशेंट के अंदर सॉफ्ट डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे, क्योंकि उसको रेस्पायरेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, हाई फैट डाइट देंगे उसके अंदर, स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग। नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होती है या फिर सिक्रेटरी जो ग्लैंड होती है उनका एक्सेसिव सिक्रेशन होने स्टार्ट होता है और थिक होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपन इंक्रीज फ्लूड्स, फ्लूड को इंक्रीज करेंगे, डायरिया, डायरिया की कंडीशन में अपन देंगे लिक्विड, लो फाइबर, रेगुलर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट गाल ब्लैडर डिजीज, अगर गाल ब्लैडर की डिजीज है तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, गाल ब्लैडर के अंदर क्या क्या देते हैं अपन, लो फैट, कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलर, और ये डाइट देते हैं अपन। लो फैट क्यों देते हैं, क्योंकि गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल साइड्स होते हैं वो क्या है, फैट को डिजोल्व करने का काम करते हैं, लेकिन गाल ब्लैडर डिजीज है तो फैट डिजोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन इसको लो फैट डाइट देते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस, लो फाइबर एंड बैलेंस डाइट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर में कौन सी डाइट देते हैं, तो बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हेपेटाइटिस, रेगुलर हेपेटाइटिस के अंदर रेगुलर डाइट दे देंगे और हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हाइपरलिपिडीमियाज, ठीक है, ये क्वेश्चन एम्स जोधपुर में आया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो कौन सी डाइट देंगे, तो इसके अंदर फैट कंट्रोल एंड कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, कौन सी देंगे इसके अंदर, फैट कंट्रोल एंड कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें अपन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या करेंगे अपन, हाइपरटेंशन और हार्ट फेल्योर, तो इसके अंदर लो सोडियम यानी नमक कम देंगे, कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड देंगे और फैट कंट्रोल्ड डाइट देंगे इसके अंदर। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन की बात करें अपन, किडनी स्टोन के अंदर अपन क्या करेंगे, फ्लूड इंटेक को इंक्रीज करेंगे, कैल्शियम कंट्रोल देंगे और लो ऑक्सलेट, ठीक है, लो ऑक्सलेट जैसे टमाटर है ना, टमाटर, लेडी फिंगर यानी भिंडी, इनको अपन स्पिंच इनको अवॉइड करेंगे, ठीक है, इंक्रीज फ्लूड इंटेक और फ्लूड इंटेक को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है एग्जाम के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर अपन देंगे सोडियम रेस्ट्रिक्टेड, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड क्यों देते हैं, क्योंकि सोडियम क्या करता है, ये करता है वाटर रिटेंशन, ठीक है, क्या करता है ये, वाटर रिटेंशन, अगर ऑलरेडी एडिमा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो अपन क्या है, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, ठीक है, और पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड करेंगे। नेक्स्ट है ओबेसिटी और ओवरवेट, ठीक है, ओबेसिटी ओवरवेट में अंदर क्या करेंगे अपन, ओबेसिटी ओवरवेट में अपन कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, ओबेसिटी ओवरवेट में क्या देंगे अपन, कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट। नेक्स्ट बात करें अपन पैनक्रियाटाइटिस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, पैनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या देंगे, लो फैट, रेगुलर स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग, ट्यूब फीडिंग और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, लो फैट इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, लो फैट, क्योंकि पैनक्रियाटिक से जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करता है, फैट को डिजोल्व करने के काम करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये मैंने अभी पहले बताया था पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर के अंदर जो देते हैं अपन वो देते हैं ब्लेंड डाइट देते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट प्रिनिसस अनिमिया, एनकेज विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबेलामिन, फाउंड इन हाई अमाउंट्स ऑफ शेलफिश एंड डीप लीवर एंड फिश। ठीक है, यानी कि इसके अंदर प्रिनिसस अनिमिया में B12 वाली डाइट देंगे। नेक्स्ट सिकल सेल अनिमिया के अंदर इंक्रीज फ्लूड टू मेंटेन हाइड्रेशन सिंस सिकलिंग इंक्रीज व्हेन द पेशेंट बिकम डिहाइड्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्रीज फ्लूड इंटेक। ठीक है, क्योंकि जो सिकल सेल्स है वो स्मॉल जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ऑक्लूजन ना करें, इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इंक्रीज फ्लूड इंटेक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिकल सेल में कौन सी जो डाइट देते हैं उसके अंदर फ्लूड इंटेक को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर अपन सॉफ्ट और रेगुलर डाइट देते हैं। ये आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कौन सी डाइट देंगे इसके अंदर, तो सॉफ्ट डाइट। नेक्स्ट अंडरवेट को हाई कैलोरी हाई प्रोटीन, वॉमिटिंग के अंदर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डंपिंग सिंड्रोम, पहले तो ये समझना होगा कि डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है। डंपिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, तो पेप्टिक अल्सर में क्या करते हैं, ये स्टोमक है इसमें क्या करते हैं, ये दो होता है पार्शली और टोटली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, स्टोमक को डायरेक्ट इसोफेगस यानी कि जो ड्यूओडेनम उसको इसोफेगस से जोड़ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, तुरंत ही स्टोमक से जो एम्प्टी है वो एम्प्टी हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, फूड्स उसकी वजह से क्या, उसे क्या कहते हैं अपन, डंपिंग सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अवॉइड शुगर साल्ट मिल्क। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे याद रख सकते हो, सफ़ेद जो सफ़ेद कलर की है ना, ठीक है, सफ़ेद कलर की जो चीज़ें जैसे कि शुगर सफ़ेद होता है, साल्ट सफ़ेद होता है, मिल्क सफ़ेद होता है, तो ये चीज़ें इसके अंदर अवॉइड की जाती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर कौन सी डाइट देते हैं, इसके अंदर हाई देते हैं। ठीक है, हाई प्रोटीन हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ठीक है, हाई प्रोटीन हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट मैं कुछ डाइट्स के बारे में आपको बता देता हूँ जो डाइट्स हैं। क्लियर लिक्विड डाइट, दोस्तों दोनों में आप कंफ्यूज होते होंगे, क्लियर लिक्विड और फुल लिक्विड। ठीक है, क्लियर लिक्विड का मतलब है जैसे आपने ग्लास लिया है पानी का और वो क्लियर दिखता है, यानी पानी के अंदर जो ग्लास है वो क्लियर दिखता है, एकदम साफ दिखता है, उसे कहते हैं अपन क्लियर लिक्विड डाइट, यानी कि जो क्लियर डाइट होती है। तो इसके अंदर हो गई, ठीक है, किसको प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को। क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर टी कॉफ़ी फेट, ठीक है, ब्रोथ फ्रूट जूस। देखो टी और कॉफ़ी बिना मिल्क वाली होना चाहिए, इसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट अलाउ नहीं है, बिना मिल्क की होना चाहिए। नेक्स्ट फुल लिक्विड डाइट के अंदर, ये भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को देते हैं, फुल लिक्विड डाइट के अंदर आल फूड्स दैट लिक्विड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके अंदर नट्स और सॉलिड फ्रूड अलाउ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्ट डाइट है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है ना, उनके लिए देते हैं और GI ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम है उनको लिए देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से फूड्स आते हैं, स्टीव्ड यानी क्रैम्प्ड यानी कि जो स्टीव्ड किए हुए हैं वो आते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट यानी कि मोस्टली किसके लिए, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट के लिए। इसके अंदर कौन कौन से फूड्स होते हैं, मिल्क हो गया, कस्टर्ड हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, कुक्ड सीरियल हो गया। ठीक है, वाइट ब्रेड कुक्ड सीरियल जैसे कि सीरियल जो दालें हैं, ठीक है, अनाज है वो कुक्ड होना चाहिए, क्रीम्ड और प्योर्ड सूप्स। ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। और फूड नॉट अलाउड, कौन कौन से फूड इसके अंदर नहीं है, जैसे कॉफ़ी हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वूल ग्रेन्स हो गए, ये इसके अंदर अलाउ नहीं है। नेक्स्ट लो रेडिजुअल डाइट ये भी आया हुआ है, इसका पर्पज़ क्या है, टू रिड्यूस द पेशेंट क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, और कॉलन और रेक्टल सर्जरी।
ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है अभी, एक नेरी का एग्ज़ाम होता है NRI का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल का, उसके अंदर आया था कि हेमोरेडक्टोमी में कौन सी डाइट देंगे, तो इसके अंदर देखें लो रेडिजुएट डाइट, ठीक है। फूड अलाउड कौन से, क्लियर फ्लूड, शुगर, साल्ट, मीट्स, फैट, एग, सम मिल्क एंड रिफाइंड सीरियल्स, वाइट ब्रेड्स, है ना, पोटैटो यानी आलू, ठीक है, ये इसके अंदर अलाउ है। और कौन से फूड इसके अंदर नहीं यूज करते हैं, चीज़, जो फ्राइड चीज़, फ्राइड फूड जो तले भुने हुए हैं उनको यूज नहीं करते हैं, हाईली सीजन फूड, हाईली सीजन फूड को भी इसके अंदर यूज नहीं करते हैं, और हाई फाइबर फूड को इसके अंदर यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हाई फाइबर डाइट, ठीक है, हाई फाइबर डाइट किसके लिए देते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, बल्क फॉर्मेशन के लिए देते हैं, ठीक है, और मोस्टली किसके लिए देते हैं, कॉन्स्टिपेशन और डाइवर्टिकुलाइटिस, जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है और डाइवर्टिकुलाइटिस के पेशेंट है उनके लिए इसको देते हैं। इसके अंदर कौन से फूड्स अलाउ हैं, यानी किस किस फूड्स को अपन दे सकते हैं, जैसे रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स हैं तो उनको दे सकते हैं, वेजिटेबल्स और वूल ग्रेन्स को दे सकते हैं, ठीक है। फूड्स नॉट अलाउ यानी कि जो मिनिमाइज लो फाइबर फूड्स हैं उनको अपन इलाज इसके अंदर अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, मैंने पहले बताया आगे मैंने, लेकिन ये एक बार मैं ऐसे बता रहा हूँ, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट किन किन पेशेंटों के अंदर, जैसे किडनी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर वाला हो गया, हाइपरटेंशन वाला हो गया, ठीक है, इन वाले पेशेंट के अंदर अपन नहीं देते हैं। कौन कौन से फूड्स हैं, नेचुरल फूड्स विदाउट साल्ट, ठीक है, मिल्क के अंदर मिल्क दे सकते हैं अपन, मीट दे सकते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन ग्लूटेन फ्री डाइट, ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट यानी जिनको गेहूं से एलर्जी है, ठीक है, इसका पर्पज क्या है, किन किन वाले पेशेंटों को देते हैं अपन, जैसे माल एब्जॉर्पेशन सिंड्रोम और सीलिएक डिजीज के लिए, ठीक है, ये इसका काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर फूड्स अलाउ, ये राइस अलाउ आता है, कई लोग सोचते हैं राइस रेस्ट्रिक्टेड है, तो राइस इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन से फूड देते हैं ये ध्यान रख लेना, राइस देते हैं, मक्का यानी कॉर्न, सोया फ्लावर दे सकते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल एंड मीट और एग, एग मिल्क अपन इसके अंदर दे सकते हैं। और कौन कौन से रेस्ट्रिक्टेड है, ऑल व्हीट्स, ठीक है, सब प्रकार के गेहूँ, राई, बरेली, ओट्स, है ना, वॉट्स का मतलब होता है जो, ये सब इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैक्टुलोज फ्री डाइट, कई पेशेंट्स को लैक्टुलोज यानी मिल्क से एलर्जी होती है, तो उन पेशेंटों के लिए ये दी जाती है। इसके अंदर कौन कौन से फ्रूट दे सकते हैं, यानी कि जो फ्रूट दे सकते हैं और वेजिटेबल्स दे सकते हैं, तो इसके अंदर लैक्टुलोज मिल्क के अंदर होता है, तो मिल्क वाले प्रोडक्ट अपन इसके अंदर नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ठीक है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट यानी ब्लड के कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए देते हैं। फूड कौन कौन से देखते दे सकते हैं अपन, फ्रूट दे सकते हैं, वेजिटेबल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्यूरिन डाइट के अंदर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक डिजीज होती है गाउट, उसका क्वेश्चन काफ़ी आता है, गाउट के अंदर क्या क्या देते हैं अपन, जो उसमें गाउट के अंदर इसको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, ये देखो यहाँ लिखा, इट इज़ यूज इन द पेशेंट विद यूरिक एसिड और किडनी स्टोन डिजीज, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से फूड दे सकते हैं अपन, स्पिंच दे सकते हैं, पीस दे सकते हैं यानी मटर दे सकते हैं, मटर के दाने दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, सीरियल दे सकते हैं, एग दे सकते हैं अपन, कॉटन चीज़ दे सकते हैं, और कौन कौन को नहीं देखते हैं दे सकते अपन, ऑर्गन मीट्स, फिश, पोल्ट्री, ठीक है, लेंटिस एंड ड्राइड पीस, नट्स, बीन्स, ओट मिल्स एंड वूल वीट्स। दोस्तों ये पीज हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पीज लिखा है, तो ये ग्रीन है, ड्राई इसके अंदर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और रेड मीट जो रेड मीट है वो इसके अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, इसके अंदर नहीं दे सकते अपन। तो थैंक यू दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैंने मोस्टली आपको जो डिजीज़ हैं उनके बारे में बताने की कोशिश किया है, उनके अंदर कौन कौन सी डाइट दे सकते हैं।